जो स्टैंडर्ड तरीका होता है डिवाइड करने का वैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हमको गिवन है कि z इज इक्वल टू वन माइनस आई जो है वो हमारा इसका फैक्टर है तो इससे क्या होगा z माइनस ऑफ वन माइनस आई इज अ फैक्टर ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो इज अ फैक्टर ऑफ दिस तो डिवाइड कर देंगे सिंपली वन माइनस आई डिवाइड करते हैं जेड क्यूब माइनस टू टाइम्स टू माइनस आई टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस फोर माइनस फाइव आई टाइम्स जेड माइनस ऑफ वन प्लस थ्री आई ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे जेड क्यूब आ जाए तो जेड क्यूब माइनस क्या हो जाएगा वन माइनस आई टाइम्स जेड स्क्वायर तो ये तो कैंसिल हो गया क्या बच गया माइनस थ्री प्लस आई टाइम्स जेड स्क्वायर और यहां से क्या उतर जाएगा प्लस फोर माइनस फाइव आई टाइम्स जेड माइनस वन प्लस थ्री आई ठीक है अब इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है लेकिन जेड स्क्वायर लाना है लेकिन कॉफिशियन क्या होना चाहिए माइनस थ्री प्लस आई तो यहां पर हम क्या करेंगे माइनस थ्री प्लस आई सॉरी ये प्लस और यहाँ पे आई आएगा ठीक है माइनस थ्री प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू जेड भी होना होगा यहाँ पे ताकि जेड स्क्वायर आए तो ये माइनस थ्री प्लस आई टाइम्स जेड स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा आई माइनस वन माइनस को अंदर में डाल दिया तो आई माइनस वन हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई माइनस थ्री ठीक है टाइम्स जेड अब इन दोनों को सब कर देते हैं तो ये ये कैंसिल हो गया पूरा टर्म और ये क्या बन जाएगा आपको समझाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिखता हूं मैं यहां पे फोर माइनस फाइव आई माइनस आई स्क्वायर माइनस फोर आई प्लस थ्री टाइम्स जेड ठीक है और प्लस में क्या होगा जो पीछे वाला चीज था वो उतर जाएगा माइनस वन प्लस थ्री आई ठीक है अब इसको आगे क्या थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि हम अच्छे से डिवाइड करने के लिए रिलेशन निकाल पाए तो ये आपका क्या आ जाएगा फोर माइनस फाइव आई प्लस वन प्लस फोर आई माइनस थ्री तो ये आपका आ गया टू माइनस आई ठीक है और पीछे से क्या उतरेगा माइनस ऑफ वन प्लस थ्री आई ठीक है तो अब यहां पे एक z भी मल्टीप्लाइड होगा अब हमको क्या चाहिए z का कोफिशन टू माइनस आई होना चाहिए तो मैंने टू टू माइनस आई को यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया टू माइनस आई टाइम्स जेड प्लस ये मल्टीप्लाइड होगा तो टू माइनस आई इन टू आई माइनस वन ठीक है ये आ गया अब ये वाला टर्म तो सिंपली कट गया और ये क्या बचा ये वाला भी टर्म कट जाएगा जीरो आएगा आपका रिमाइंडर तो यहां से क्या आया हमारा दिस जेड क्यूब माइनस टू टाइम्स टू माइनस आई टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस फोर माइनस फाइव आई टाइम्स जेड माइनस वन प्लस थ्री आई इक्वल्स टू जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस ऑफ वन माइनस आई इंटू जेड स्क्वायर प्लस आई माइनस थ्री टाइम्स जेड प्लस टू माइनस आई ठीक है अब अब जो ये है ना इसका हमको दो रूट्स फाइंड करना है ठीक है तो सिंपली क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सिंपली तो माइनस ऑफ आई माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर आई माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स टू माइनस आई ठीक है अपॉन टू तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ आई माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर आई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स आई माइनस एट प्लस फोर आई ठीक है अपॉन टू तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई माइनस थ्री प्लस माइनस रूट ओवर टू आई अपॉन टू ठीक है अब ध्यान से देखो रूट ओवर आई निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे टू आई को हम क्या लिख सकते हैं ई e की पावर टू टाइम्स ई की पावर आई टाइम्स पाई बाई टू क्योंकि आई क्या होता है आई इस तरफ होगा जीरो कॉमा टू होगा इसका कोऑर्डिनेट ठीक है टू आई का तो ये क्या होगा इसका आर्गूमेंट पाई बाई टू होगा तो थीटा हम पाई बाई टू पुट किए हैं और कोई बात नहीं है तो इसको इतना लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया रूट ओवर टू आई को क्या लिख सकते हैं रूट टू टाइम्स ई की पावर आई थीटा का पा, पावर हाफ तो हाफ टू पाई बाई टू पाई बाई फोर हो जाएगा तो इसीलिए ई e की पावर आई टाइम्स पाई बाई फोर हो गया और इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ट्रिनोमेट्री में तो क्या आएगा रूट टू टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस आई टाइम्स साइन पाई बाई फोर इज इक्वल टू क्या गया रूट टू इंटू वन बाई रूट टू प्लस आई टाइम्स वन बाई रूट टू ठीक है तो सब कट गया रूट टू रूट टू तो आ गया वन प्लस आई ठीक है तो रूट टू आई की वैल्यू हम सिंपली ये पोट कर करेंगे वहां पे इस में तो हमारा क्या आ जाएगा? जेड़, जेड़ बराबर क्या आ आ जाएगा जाएगा बराबर दो रूट आएंगे हमारे एक आएंगे माइनस वन माइनस आई माइनस थ्री प्लस माइनस वन प्लस आई ठीक है अपॉन टू तो मैं यहां से निकाल लेता हूं जेड वन को जेड वन एडिशन तो वाला केस ले लेते हैं माइनस आई माइनस थ्री प्लस वन प्लस आई अपॉन टू तो यहाँ से क्या आ गया आई आई कैंसिल हो गया तो माइनस टू अपॉन टू तो माइनस वन आ गया वैसे ही जेड टू वाला केस ले लेते हैं माइन नेगेटिव वाला केस तो एक मिनट एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया माइनस नहीं यहाँ पे प्लस थ्री हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के बाहर था तो माइनस आई प्लस थ्री और प्लस वन प्लस आई तो ये क्या हो गया आई 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 कैंसिल हुआ ये फोर बाई टू तो प्लस टू आ जाएगा ये और जेड टू क्या आ जाएगा माइनस आई प्लस थ्री माइनस वन माइनस आई अपॉन टू तो ये आपका आ जाएगा माइनस टू आई और ये टू ठीक है तो ये आपका आ गया माइनस आई माइनस प्लस टू ठीक है तो जेड टू हमारा आ गया ये और जेड वन आ गया हमारा दो तो हमने फाइंड कर लिया इसका बाकी का दो रूट्स क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स, आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर